हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ब्यूटीफुल सी रेड कलर की साड़ी जो कि सिल्क में है, उसको मैंने 3 डिफरेंट स्टाइल से वेयर किया हुआ है। एक लुक बंगाली साड़ी का डिफरेंट स्टाइल से मैंने वेयर किया है, आप भी इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये ब्यूटीफुल सी माई मोस्ट फेवरेट साड़ी है जो मैं आपको पहन के वेयर करके दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट राउंड जैसे हम कंप्लीट कर देते हैं नॉर्मल सिंपल तरीके से, कोई भी साड़ी पहनने से पहले आप फ्लिटर्स हील्स जो पहनना है आप पैरों में वो पहन लीजिए, उसके बाद साड़ी आप वेयर करें। फर्स्ट राउंड के बाद अपना पल्लू इस तरीके से कलेक्ट कीजिए एंड जितनी मेजर आपको, जितना लंबा आपको पल्लू चाहिए उतना मेजर करके एंड आगे से पल्लू को सेट करते हुए आगे की साइड बेली बटन पे पिनअप करना है। बट कुछ इस तरीके से पिनअप करना है कि आपकी साड़ी भी फटे नहीं जब भी आप बैठें उठें, और बीच से ही इस तरीके से एक प्लीट को उठाना है जिससे कि साइड में एक फिनिशिंग आए। जब हम पूरा लुक कर देते हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। कुछ लोग इसको साइड में करके भी लगाते हैं, बट उससे क्या होता है साड़ी हमारी ख़राब हो जाती है, तो आप बीच में लगाएं पिन जब भी लगाएं। नाउ थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए आपको हाफ इंच का आपको प्लीट्स बना लेनी है। राइट, सिल्क साड़ी में बहुत ही अच्छे से आपकी प्लीट्स बन जाती हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको प्लीट्स बना लेनी है एंड दूसरे हाथ से इसको सेट करते हुए पकड़ते हुए आपको उसको अंदर टक इन कर लेना है। सारी प्लीट्स को टक इन करने के बाद जो साइड में फैब्रिक होता है उसको आपको बहुत आराम से उसको पीछे की साइड कर लेना है, सो दैट जितनी भी क्रीज वगैरह होती हैं वो शो नहीं होती हैं। नाउ अभी पल्ले की बारी है। फ्री स्टाइल का पल्ला मैं आपको फर्स्ट बताने वाली हूँ। तो जो कि आप पल्लू बनाएं तो थोड़ा शोल्डर के पीछे की साइड पिनअप करें एंड कुछ इस तरीके का लुक आता है। आई होप आपको ये लुक पसंद आए। नाउ सेकेंड पल्लू में क्या करना है, सेम हम अपना पल्लू जब पकड़ते हैं तो अपने जितना आपको चौड़ाई चाहिए पल्लू की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लीट बनानी है। और जो ऊपर वाली प्लीट होती है वो हमेशा थोड़ी हल्की सी एक्स्ट्रा रखनी है हाफ इंच की, जिससे कि अंदर की प्लीट्स आपकी कवर हो जाएं। और मैं कुछ इस तरीके से पहन रही हूँ क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, जो फैब्रिक है साड़ी का, बहुत ही अमेजिंग है गाइज। तो इस तरीके की साड़ी में बहुत ही इजीली साड़ी को हम पहन भी सकते हैं और आप देख सकते हो 2 मिनट भी नहीं लगाए मुझे इस तरीके की साड़ी को वेयर करने में एंड प्लीट्स आपकी बन गई हैं, मैंने शोल्डर पे पिन अप कर लिया है। आई होप आपको ये वाला स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा है। नाउ जो हमारा बंगाली साड़ी में लुक करने वाली हूँ वो कुछ अलग तरीके से ट्राई किया है मैंने। जो हमारा आगे से जो पल्लू वाला एरिया होता है वहाँ से आपको सिंपल इस तरीके से प्लीट्स बना लेनी है। राइट, जैसे हम शोल्डर पे पिनअप करते हैं सेम एज इट इज़ उस तरीके से आगे की साइड से जहाँ से हम नॉर्मल प्लीट्स बनाते हैं वहीं से फैब्रिक को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से प्लीट्स बना के आगे की साइड से ही शोल्डर पे पिनअप कर लेना है। राइट, पल्लू को आपको मेजर करके रखना है जितनी लेंथ आपको चाहिए, ठीक है, और आगे से पिनअप करने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ना है, जो पल्लू का कॉर्नर सा एरिया है उसको पकड़ना है एंड पीछे की साइड से साइड में जहाँ पे एंड आता है वहाँ से आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। राइट, नाउ जो पल्लू वाला एरिया है उसके फर्स्ट एंड या जो उसको कॉर्नर को पकड़ना है और आगे की साइड जो पल्लू आता है उसमें प्लीट्स के एक बहुत ही इस तरीके से आपको पिनअप करना है कि आपका पल्लू भी शो ना हो और वो एक प्यारा सा लुक एनहेंस होके आए जो कि अमेजिंग सा लगे।
आई होप गाइज ये मेरा स्टाइल बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगा मुझे वाला स्टाइल। आई होप आपको मेरे सारे स्टाइल बहुत ही अच्छे लगे हैं गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है एंड वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो मैं और भी वीडियोस के साथ आऊँ, सो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिवानी कश्यप, एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।